हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। कैसे हैं आप? मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अक्सर लोग गाड़ी खरीदते समय क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिनका उनको आने वाले वक्त में, भविष्य में, एक बड़ा नुकसान तक उठाना पड़ जाता है। या सीधी भाषा में इसको कहूँ तो कार बाइंग टिप्स आप इसको कह सकते हैं। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ कार। अक्सर लोग कार सेलेक्ट करने में गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि यार, 6 लाख रुपए की रेंज में जब हमारे को सेडान मिल रही है तो हम हैचबैक क्यों लें, या 8 से 9 लाख रुपए की रेंज में हमें जब SUV मिल रही है तो हम सेडान क्यों लें। और वो लोग इस चीज़ से प्रभावित होकर डिसीजन ले लेते हैं, भले ही वो उस गाड़ी का बेस वेरिएंट ही क्यों ना हो, वो ख़रीद लेते हैं, जो कि यह गलत तरीका है। आप सबसे पहले अपनी ज़रूरत को समझें कि आपकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से डिसीजन लें। मसलन, अगर आपकी फैमिली छोटी है और ज़्यादातर आपकी रनिंग सिटी में ही है तो एक हैचबैक आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए ठीक है। या अगर बड़ा बूट आपकी ज़रूरत है और महीने में 2-4 बार आपको हाईवे पर निकलना होता है लंबे सफ़र के लिए फैमिली के साथ, तो ऐसे में सेडान आपके लिए ठीक है। और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हों और जहां पर सड़कें ख़राब हों, ऐसे में आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, या आपकी रनिंग हाईवे पर ज़्यादा हो, तो ऐसे में आपके लिए SUV ठीक है। या अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो एक 7-सीटर MPV आपके लिए परफेक्ट है। तो मेक श्योर हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी को सेलेक्ट करें। ये सोच के गाड़ी सेलेक्ट ना करें कि 6 लाख रुपए की रेंज में अगर आज मुझे MPV मिल रही है तो मैं हैचबैक ना लेते हुए MPV ले लूं, या 8 लाख रुपए की रेंज में मुझे SUV मिल रही है तो सेडान ना लेते हुए मैं SUV ले लूं। हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी को सेलेक्ट करें। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर दो की, इंजन। अक्सर कुछ लोग जिनका रनिंग कम होता है उसके बावजूद वो डीज़ल कार ख़रीद लेते हैं। हालांकि फ़िलहाल दिन ब दिन डीज़ल कार्स की सेल घटती जा रही है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्यूल इफ़िशेंसी के चक्कर में डीज़ल कार ख़रीद लेते हैं, भले ही वो हफ्ते में एक बार गाड़ी चलाते हों। तो मेक श्योर अगर आपकी रनिंग 1000 से 1500 किलोमीटर है महीने की, तो ऐसे में आप पेट्रोल कार ही ख़रीदें। और अगर आपकी रनिंग 5000-6000 किलोमीटर से ज़्यादा की है महीने की, तो ऐसे में आप डीज़ल कार को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है 1000, 1200, 1500, 2000 किलोमीटर महीने की, तो ऐसे में डीज़ल कार ख़रीदना बेवकूफ़ी है। आप हमेशा पेट्रोल कार के ऊपर ही जाएं, क्योंकि ऐसे में 1 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देकर डीज़ल कार ख़रीदना बेवकूफ़ी होगी। और आज तो वैसे भी पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस लगभग सेम ही हो गई है, ज़्यादा कुछ अंतर दोनों में बचा नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट करें कि आपको डीज़ल कार ख़रीदना है या पेट्रोल कार ख़रीदना है। ठीक है, फ्यूल इफ़िशेंसी के चक्कर में डीज़ल कार लेके ना आ जाएं। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर तीन की। पॉइंट नंबर तीन है लोन। कुछ लोग सोसाइटी में अपनी वाहवाही के लिए लग्जरी गाड़ी या बड़ी गाड़ी प्लान करते हैं, और उसके लिए फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा लोन भी ले लेते हैं। और फिर उससे होता यह है कि उन लोगों को मंथली इंस्टॉलमेंट भरने में काफ़ी दिक्कतें आती है, और ऐसे में इंस्टॉलमेंट कभी कभी लेट या ओवरड्यू भी हो जाती है। देखिए, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा लोन उतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट। अगर आपकी तनख्वाह ही 25,000 है और आपकी कार की इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपये जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मेक श्योर हमेशा अपने बजट के हिसाब से कार को सिलेक्ट करें, वाहवाही के लिए कभी कार ना खरीदें। ठीक है, जितने चादर उतनी ही पैर फैलाएं। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर चार की। पॉइंट नंबर चार है डील। कुछ लोग गाड़ी खरीदते वक्त इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो डीलर से ठीक से डील ही नहीं लेते, बस शोरूम जाते हैं, गाड़ी पसंद करके, कलर पसंद करके, बुक करके आ जाते हैं। देखिए, जब भी अगर आप कोई कार पसंद करके उसको बुक करने जाएं, तो सबसे पहले उस कंपनी के जितने भी आपके शहर में डीलर हैं, पहले उन सबसे आप एक अच्छी डील को हासिल करें। आप जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको एंटरटेन कर रहा है, उसको बेझिझक होके बताएं कि फूला डीलर मुझे ये डील ऑफर कर रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हो। जितने भी डीलर हैं आपके शहर में, उन सब से बार्गेनिंग करो। शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मार्केट में सब डीलर कार बेचने के लिए ही बैठे हैं। और हकीकत यह है कि कोई भी डीलर नहीं चाहता कि 1500-2000 रुपये के पीछे उनका सेल लॉस हो जाए। ठीक है, सबको अपने अपने टारगेट्स अचीव करना होते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मेक श्योर अच्छी से अच्छी डील को हासिल करने की कोशिश करें, सारे डीलर्स पे प्रॉपर इंक्वायरी करें
और हर डीलर से बेझिझक होके बात करें कि फुला डीलर मुझे ये डील दे रहा है इस गाड़ी पे, आप क्या दे सकते हो, वो फिर आपको जो ऑफ़र करे। फिर तीसरा डीलर अगर आपका उसी कंपनी का अगर आपके शहर में है तो उससे बात करें कि फुला डीलर ने मुझे ये डील दी है, इसके अंदर आप क्या कर दोगे। तो ऐसा करके एक अच्छी डील को हासिल करें, उसके बाद गाड़ी की बुकिंग करें, जल्दबाजी में कभी भी बुकिंग ना करें। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 है फालतू की एक्सेसरीज़। देखिए, फालतू की एक्सेसरीज़ पे अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बार लाइट्स, रूफ लाइट्स, एंटी रस्ट कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, बम्पर गार्ड्स, ये सब फालतू की एक्सेसरीज़ है। बार लाइट्स और रूफ लाइट्स उन लोगों के काम की हैं जो कोई जीप मॉडिफाई करा रहे हैं, या जिप्सी मॉडिफाई करा रहे हैं, या एसयूवी मॉडिफाई करा रहे हैं, या वो अपनी जीप और एसयूवी को लेकर जंगल में जाते हों। लेकिन बार लाइट्स और रूफ लाइट्स आजकल लोग किसी भी कार में लगवा लेते हैं। बम्पर गार्ड्स अगर एसयूवी में लगे तो फिर भी ठीक है, वैसे तो नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि बम्पर गार्ड्स काफ़ी हेवी होते हैं और उससे माइलेज पर असर पड़ता है। पर आजकल कई महारथी जो हैं वो ऑल्टो में, डिज़ायर में, ग्रैंड आई10 में, टियागो में, इनमें भी बम्पर गार्ड आगे भी और पीछे भी लगवा लेते हैं सेफ्टी का हवाला देके। जहाँ तक बात है टेफ्लॉन कोटिंग की, तो टेफ्लॉन कोटिंग आप खुद अपने घर पर कर सकते हो। 1000 रुपये का ग्राइंडर आएगा, 200 रुपये की फार्मूला 1 की डब्बी आएगी, इन दो चीज़ों से आप खुद अपने घर पर टेफ्लॉन कोटिंग कर सकते हो लाकर। ज़बरदस्ती 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात एंटी रस्ट कोटिंग की, तो एंटी रस्ट कोटिंग की आपको अभी ज़रूरत ही नहीं है। आपकी गाड़ी नहीं है, नई नवीली गाड़ी में एंटी रस्ट कोटिंग का क्या काम। एंटी रस्ट कोटिंग उन गाड़ियों में कराई जाती है जो गाड़ियाँ 8 साल पुरानी हो जाती हैं, 10 साल पुरानी हो जाती हैं, और धीरे धीरे जिनमें नीचे रस्ट आने लग जाता है। नई गाड़ी में एंटी रस्ट कोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सब फालतू चीज़ों से आपको बचना होगा। देखिए, डीलर के एक्सेसरीज डिपार्टमेंट का तो काम है कि एक्सेसरीज़ बेचना, क्योंकि उनको भी टारगेट्स दिए हुए होते हैं और उन्हें अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। तो इस वजह से वो आपको कुछ ना कुछ करके किसी भी तरीके से कन्विंस करेंगे ही करेंगे कि सर एक्सेसरीज़ ले लो, सर ये ले लो, सर वो ले लो। ये आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप उन चीज़ों से कैसे बचते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो आज हमने कवर करे, जिस पे आज हमने डिस्कशन करा, जिस पे आज हमने चर्चा करी कि नई गाड़ी ख़रीदते वक्त अक्सर लोग क्या क्या गलती करते हैं, या इसको आप सीधी भाषा में कार बाइंग टिप्स कह सकते हैं। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ को शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दो यार। पास में बेल आइकन को भी दबा दो, उस घंटे को भी दबा दो, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू।